जनरली जिनका ऑफिस वर्क या फिर सिटिंग वर्क होता है वो इस तरह से दिन में कई बार करते हैं। इन सब साइंस का मतलब है कि योर बॉडी नीड अ स्ट्रेच। हाय एवरीवन, दिस इज डॉक्टर डिम्पी एंड वेलकम टू केवी फिजिक चैनल। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑफ अ स्ट्रेचिंग सीरीज जो कि हमने उन लोगों के लिए बनाई थी जिनका सिटिंग वर्क बहुत ज्यादा होता है। इसमें हम लोअर लिम की स्ट्रेचिंग करेंगे और ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे। लोअर लिम को स्ट्रेच करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि जब हम इतनी देर तक बैठे रहते हैं तो हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही नहीं होता है, तो इसकी वजह से आगे चल के बहुत सारे हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। हमारे पहले वाले वीडियो में हमने बाकी के पार्ट्स की स्ट्रेचिंग रखी थी, नेक, शोल्डर, चेस्ट, बैक, आर्म्स। तो अगर उन दोनों वीडियो को आपने नहीं देखा हो तो प्लीज उसको देखें, और अगर आपने मेरा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। लोअर लिम जो हमारे नीचे लेग्स आते हैं, हैमस्ट्रिंग्स, क्वाड्रिसेप्स, हमारी काफ, इनकी स्ट्रेचिंग्स हम करेंगे। इनकी स्ट्रेचिंग्स क्यों जरूरी है? क्योंकि जब सिटिंग में हम रहते हैं तो हमारे पैरों का मूवमेंट नहीं होता है, तो जो कि बहुत गलत है, क्योंकि उसकी वजह से अगर मूव नहीं होते हैं तो हमारे ब्लड का जो सर्कुलेशन है उस पर अफेक्ट पड़ता है। तो इसकी वजह से यू हैव टू स्ट्रेच द लोअर लिम मसल्स ऑल्सो। सो लेट्स स्टार्ट विद द हैम स्ट्रेचिंग्स फर्स्ट। हैमस्ट्रिंग्स जो कि हमारी थाई की जो बैक मसल्स होती है उसको हम हैमस्ट्रिंग्स कहते हैं। ये मसल्स बहुत लोगों में स्टिफ रहती है, टाइट रहती हैं। अगर आपको इसकी टाइटनेस, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक करनी है, जस्ट ट्राई टू टच योर टोज विदाउट बेंडिंग योर नी। तो कई लोग जो हैं वो टोज को, फ्लोर को टच नहीं कर पाते हैं। उसका रीज़न यही होता है कि हमारी हैमस्ट्रिंग्स टाइट होती हैं। तो और ये हैमस्ट्रिंग का टाइटनेस वन ऑफ द मेन रीजन फॉर द लो बैक पेन। तो इसकी स्ट्रेचिंग के लिए अपनी ऑफिस चेयर के पास आपको खड़े होना है। जो भी वो पैर हैम्स का स्ट्रेच करना है वो पैर आप चेयर के ऊपर रखेंगे। दोनों हाथों को हमने हल्का सा नी के अराउंड सपोर्ट के लिए रखा है। नाउ फॉर द स्ट्रेचिंग, आपको धीरे धीरे आगे की तरफ जाना है, हाथों को स्लाइड करते हुए टोज की तरफ, लाइक दिस। Go, 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 and यहाँ पर आके you have to hold for 8 to 10 second. बहुत अच्छा स्ट्रेच फील होगा अगर आपकी टाइट है। और कई लोग तो फुट पे नहीं आ पाते हैं, यहीं तक आ पाते हैं, दैट्स फाइन। आप जितना आ सकते हो लेकिन वहाँ तक होल्ड करके रखें। धीरे 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 आप आपको यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, बट नीज फोल्ड नहीं होना चाहिए। कई लोग ऐसे करते हैं, नी नहीं, नी एकदम स्ट्रेट रहना चाहिए। और जब होल्ड इट एंड देन धीरे धीरे रिलैक्स एंड देन सेम विद इन अदर लेग। फील गुड स्ट्रेच। ये करने के बाद आपको लगेगा कि हमारे पैर खुल गए हैं, क्योंकि पूरी जो पीछे की मसल्स है उसमें एक अच्छा स्ट्रेच होता है। फिर हम आते हैं हमारी क्वाड्रिसेप्स जो कि आगे की मसल्स होती हैं उसका स्ट्रेचिंग। अगेन यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट। अपने चेयर को हल्का से एक हाथ से पकड़ लें फॉर द बैलेंस, क्योंकि जब हम ये स्ट्रेचिंग करते हैं तो कई का बैलेंस जो है वो थोड़ा सा हिल जाता है। तो हमने एक सपोर्ट के लिए इसको पकड़ लिया। अब मुझे इस वाले क्वाड्रिसेप्स का स्ट्रेचिंग करना है, तो हाथों से मैं दोनों अपने हाथ से पैर को पीछे की तरफ लेके आऊंगी। मैंने फुट से पकड़ लिया है, ओके, आई गिव यू दिस एंगल लाइक दिस। और आपको पीछे की तरफ एक अच्छा सा स्ट्रेच करना है अपने हाथ से, ताकि जो थाइस है फ्रंट उसको आपको एक अच्छा सा स्ट्रेच फील हो। यू हैव टू स्टैंड स्ट्रेट, झुकना नहीं है, तभी चेयर को पकड़ना है, क्योंकि अगर आप छोड़ोते हो तो कई लोगों में बैलेंस प्रॉब्लम आता है। देन फील द स्ट्रेच इन द फ्रंट ऑफ द थाई मसल्स एंड देन रिलैक्स। सेम विद अदर लेग, क्वाड्रिसेप्स की होल्ड इट फॉर अ व्हाइल और धीरे धीरे रिलैक्स। तो ये हमारी क्वाड्रिसेप्स, हैमस्ट्रिंग्स। फिर हम करेंगे हमारी काफ को स्ट्रेच, जिसको हम पिंडलियां बोलते हैं। पिंडलियां, कई कंप्लेन करते हैं कि हमारी पिंडलियों में बहुत दर्द रहता है, जैसे ही हम उठते हैं तो पिंडलियों में दर्द रहता है, या चलते हैं तो पिंडलियां हमारी काफ दुखती है। तो उसकी स्ट्रेचिंग बहुत ही सिंपल है। यू हैव टू डू नथिंग, जस्ट आपको चेयर को पकड़ना है अगेन एंड स्टैंड ऑन योर टोज। जब आप अपनी टोज पे खड़े होंगे थोड़ी देर तक, 8 सेकेंड, 10 सेकेंड तक, तो आपको पूरी जो काफ है उसमें स्ट्रेच फील होगा। और फिर धीरे धीरे रिलैक्स।
सो ये दोनों काफ का साथ ही स्ट्रेच हो जाता है व्हेन यू स्टैंड ऑन योर टोस लाइक दिस एंड देन रिलैक्स. सो दीज वर द स्ट्रेचेस ऑफ द लोअर लिम मसल्स. सो दीज और जो भी स्ट्रेचेस हमने करी है दिस विल गिव यू अ गुड रिलीफ एंड प्लीज ट्राई. दे आर वेरी सिंपल वेरी क्विक एंड ट्रस्ट मी यू विल फील गुड आफ्टर डूइंग द स्ट्रेचेस. सो एंड ऑफ द सेशन हम करेंगे एक सिंपल ब्रीदिंग एक्सरसाइज से जो कि आपकी लंग की कैपेसिटी को इंक्रीज करेगी, एनर्जी लेवल इंक्रीज करेगी, स्ट्रेस जो लेवल है उसको कम करेगी, काम डाउन करेगी और डेफिनेटली आपकी जो वर्क प्रोडक्टिविटी है उसको अच्छा करेगी. सो लेट्स स्टार्ट विद द ब्रीदिंग एक्सरसाइज. ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो कि आप अपनी चेयर पे बैठ के भी कर सकते हैं, खड़े होके भी कर सकते हैं, ये बहुत सिंपल है. इसमें दोनों हाथों को हमें धीरे धीरे ऊपर लेके जाना है और जब हम धीरे धीरे ऊपर लेके जाते जाएंगे तब हमें हर धीरे धीरे सांस को अंदर की तरफ खींचना है, डीप इंस्पिरेशन करना है और जब हम नीचे लेके आएंगे तो सांस को धीरे धीरे एक्सहेल करना है, धीरे धीरे छोड़ना है. सो बेसिकली इट इज लाइक दिस. जितना मैक्सिमम आप अंदर गहरी सांस ले सकें होल्ड इट फॉर 3 to 4 seconds और धीरे धीरे यू हैव टू एक्सहेल छोड़ना है. अगेन सो दिस इज वेरी इफेक्टिव वेरी रिलैक्सिंग. सो इन सब के अलावा मैं एक एडवाइस और करूंगी जिनका वर्क फ्रॉम होम है, सिटिंग बहुत ज्यादा है तो स्ट्रेचिंग्स के अलावा ब्रीदिंग के अलावा यू हैव टू मेक श्योर कि आप तो हर 1-1.5 घंटे से वॉक भी करें क्योंकि अगेन वॉक अपनी जगह पे इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. आपकी ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करता है. सो हर 1-1.5 घंटे से जस्ट आपने घर में ही 5-10 मिनट के लिए चक्कर लगा लिया फिर आप बैठ गए काम पे तो इस तरह से वॉकिंग भी ज़रूरी है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट आवर टुडेज सेशन. मेक अ शेड्यूल दैट यू डू योर स्ट्रेचेस एक्सरसाइजेस रेगुलरली ऑल्सो वॉकिंग. And don't forget to subscribe to my channel. Sleep well. Have a good day. Thank you.